के पर काट के रख दे। मैं दावत दूंगा आज के मेजबान साबक एमएनए, साबका एमडी बैतुलमाल, सीईओ पाकिस्तान स्वीट होम जुमरत खान अलपियाल हिलाल इम्तियाज। आज के मेहमान खुसूसी हाजी सफदर साहब चौधरी जफर इकबाल साहब अलपियाल वेलफेयर ट्रस्ट के सरपरस्त आला बानी, मैं समझता हूं कि इनकी बहुत सारी खिदमत जनाब ब्रिगेडियर जावेद अलपियाल साहब मेरे भाई चौधरी जफर साहब कर्नल आरिफ मलिक साहब डॉक्टर जिया साहब चौधरी जायद साहब विकास भट्टी साहब चौधरी निसार साहब चौधरी वहीद साहब चौधरी कमर साहब चौधरी मेहताब साहब चौधरी शायद अमीन साहब वजात अली खान साहब कर्नल खालिद साहब चौधरी सलीम साहब मंश अलपियाल कबीला के रूए रवान मोहतरम जनाब राजा नुमान साहब माशाल्लाह में बड़ी अच्छी यहाँ पे सारी गुफ्तगू की बड़े ऐसे तरीके से अदनान अलपियाल साहब चौधरी शबीर साहब माशाल्लाह इनके साथ मेरा बड़ा दरीना तलक है 92 से अल्लाह ताला इनको सलामत रखे चौधरी मुनीर अख्तर साहब अलपियाल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बानी मोहतरम जनाब अजहर मजीद साहब चौधरी तनवीर साहब प्रोफेसर आरिफ साहब या तो जितने भी मेरे अजीज दोस्त भाई बेटे यहाँ पे मौजूद हैं मेरे लिए बड़ा काबिल फख्र दिन है। मेरे बड़े भाई कामरान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं चौधरी अमीर ताज साहब मेरे भांजे भी यहाँ पे मौजूद हैं निसार साहब मेरे लिए बड़ा खुशी का बायस है कि मेरी इतनी बड़ी बरादरी मेरे इतने बड़े भाई दोस्त बेटे यहां पे मौजूद है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चौधरी अकनवाज साहब अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे सेहत दे ये पाकिस्तान सभी टोन में पहले दिन से फर्स्ट डे से आज से 11 साल पहले शामिल हुए और आज भी तकरीबन 2-3-4 घंटे पाकिस्तान सभी टोन को प्रोवाइड करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि इंसान अगर किसी अच्छे काम की नियत कर ले तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाना कोई इशू नहीं क्योंकि नेकी और बुराई के जितने भी काम है इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है अल्लाह ताला की तरफ से जो आपको नजर नहीं आ सकती जिसकी बहुत बड़ी मिसाल पाकिस्तान सिविल टोम आपके सामने मौजूद है। डॉक्टर जिया साहब एक बच्चे से पाकिस्तान सिविल टोम का आगाज होना और आज हजारों की तादाद में कर्नल साहब पूरे मुल्क में इन मेरे बेटों और बेटियों का होना ये मैं समझता हूं उस बात का कभी यकीन है कि इस मखलूक को चलाने वाला कोई और है। इसके पीछे जो मेन पावर है वो किसी और की है। हमारे बुजुर्ग हमारे भाई चौधरी नसीर साहब यहां पे मौजूद हैं ये भी इस बात की गवाही देंगे कि जब अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ होती है तो दुनिया की कोई ताकत आपके काम को पाए तकमील तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं बन सकती।
मेरा पहले दिन से ही ईमान था कि अल्लाह ताला की जात मेरे साथ है, और माशाल्लाह आज मेरे बेटे और बेटियां पार्ट वन नर्सरी से लेके एफएससी पार्ट टू तक मौजूद है अली जफर इकबाल साहब। इब्तदाई तौर पे जो भी मुझसे पूछता है कि पाकिस्तान सभी टोन क्या है, तो मैं उसको एक ही मिसाल देता हूं, जो भी जावेद साहब हमारे भाई यहां पे मौजूद है, बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान सभी टोन में हमारे हम सफर है कि ये अल्लाह ताला की नेमत है। ये जो इतना बड़ा कंप्लेक्स आपको नजर आ रहा है, ये सारा 6 सालों में बना है। 2013 के एंड में राजा परमेश्वर को लंबी जिंदगी दे, 13 एकड़ जगह में सीढ़िए से लेके दी, और ये पूरा जंगल था, काइयां और कसियां थी, और बैतुल माल से छोड़ने के बाद ये बना। ये भी मैं आपको बता दूं, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चलेगी तो उसके बाद बना सारा कुछ। ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि फर्स्ट डे से हमने जब इसको शुरू किया तो मेरा ईमान था कि जरूर पाया तकबील तक पहुंचेगा। आज ये एशिया का सबसे बड़ा, मैं इसको कभी यतीम खाना नहीं कहता, ये मेरे बेटों और बेटियों उन फरिश्तों और परियों का घर है जिनके वालदैन इस दुनिया के अंदर नहीं है, जिनकी निस्बत कभी बात नहीं के साथ है। और फिर देखें कि जब अल्लाह ताला रहमत करता है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचियां, एक खूबसूरत तरीन ब्रांच इसकी बलवाल में मौजूद है, एक मेरे दोस्त है चौधरी इफ्तखार, कोई 8 कनाल के अंदर उन्होंने एक माल्टो के बाग में एक पूरा कंप्लेक्स बना के दिया, और इत्तमाद का ये इसका आलम है माशाल्लाह कि आज मैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर शमाली बलूचिस्तान में मीर अली में वहां पे पाकिस्तान स्वीट होम गोल्डन एरो चल रहा है, जिसमें मेरे 150 बेटे हैं, और पाकिस्तान आर्मी के साथ हमारा 30 सालों का एक एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान आर्मी ने क्या करना है और पाकिस्तान स्वीट होम की टीम ने क्या करना है। अल्लाह की रहमत के बाद ये एक टीम है पाकिस्तान स्वीट होम की, और इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं पूरे पाकिस्तान से, और मैं हमेशा कहता हूं कि फलाई कामों में मौजजात होते हैं। आप देखेंगे 100 मन का पत्थर कोई नहीं उठा सकता। सेम चौधरी शबीर साहब इसकी पोजीशन है कि जब आप चैरिटी के काम में आते हैं तो आप 100 मन का पत्थर, 100 मन की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं, और इसकी वाजह मिसाल यह है कि आप दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज बिजर खान और सहावा जीटी रोड के ऊपर तकरीबन 1 अरब रुपए की प्रॉपर्टी एक शख्स ने, अल्लाह ताला उनको राजा साहब को खुश रखे, उन्होंने पाकिस्तान सीमेंट होम को 1 साल पहले गिफ्ट की, और आज वो कॉलेज इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाया तकदीर तक पहुंचने वाला। जब भी आप जीटी रोड से गुजरेंगे जहां पे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है, तहसील सहावा शुरू होती है, गुजर खान तहसील खत्म होती है, और उस जगह की खासियत यह है कि वो पुठवार का संगम, उस 1 किलोमीटर में 3 डिस्ट्रिक्ट है, एक तरफ चकवाल, एक तरफ पिंडी और एक तरफ चेलम। वहां पे वो खूबसूरत तरीन कॉलेज पाकिस्तान स्वीट होम गेट कॉलेज बनने को जा रहे हैं। बैतुल माल के अंदर भी जो मेरा रोल था, ये 2011 में बरगेट जावेद अल्प्याल साहब को, चौधरी जफर साहब को, चौधरी नवाज साहब को अल्लाह खुश रखे, उस वक्त हमने ये सोचा कि हम अपने इलाके में जो हमारी बरादरी की वजह से मादरत के साथ कभी बहुत ज्यादा बदनाम कि ये लाखों बहुत हैं, झगड़ाले बहुत हैं, 5-5 बरनों पे अपने सके रिश्तेदारों को जमा कर देते हैं, लेकिन आप देखिए 2-3 अजीम लोग यहां पे मौजूद हैं, हाजी सफदर साहब, हाजी सफर इकबाल साहब के साथ मेरा एक तरीना रिश्ता है सियासत का, लेकिन इन्होंने चौधरी जफर साहब के साथ मिलके जो मैं समझता हूं पूरे चौंतरे का दिल है वो जगह इन्होंने अस्पताल के लिए गिफ्ट की अपनी तरफ से, जहां पे आज बात है तो पाकिस्तान में अजीम लोगों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि आपका इत्माद करता है। मेरे अजीज बेटो, बहुत सारे मेरे इसमें यंगस्टर भी बेटे भी बैठे हैं, बेटों की जगह दुनिया में सबसे बड़ा सरमाया इत्माद, कभी किसी के इत्माद को ठेस नहीं पहुंचानी। अल्लाह ताला ने जो रिजक लिखा हुआ है हर सूरत आपको मिलना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी हम सारी वाजिया मिसालें, हमारे दादाजी साइकिल पे आए वहां से,
पूरे आदि अनुवासी, लेकिन जब अल्लाह ताला कर्म करता है तो फिर वो रास्ते खोल देता है। लिहाजा आपने भी इस मिशन को, ये जो कबीला अल्प्याल है, आपने ही अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना है, आपने आगे इसको चलाना है। लेकिन नीयत एक ही करनी है कि खिदमत सिर्फ और सिर्फ मखलूक के लिए और अल्लाह की रजा के लिए। जब इसके अंदर आप कोई अपना जाती मफाद डालेंगे किसी किस्म का भी, तो फिर चैरिटी खत्म हो जाती है। दुनिया में बहुत सारे ट्रस्ट, फिर मैं जो शरीफ साहब का इम्तहान लूंगा कि पता है कि कितने सारे एनजीओ और ट्रस्ट बनते हैं, और बैतुल माल में मैंने आगे तकरीबन 1,500 ट्रस्ट को बैन किया था एनजीओ को, कि इनको पैसा भी नहीं मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए बनती है। लेकिन उसमें अच्छे लोग भी थे, बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट थे जिनके साथ आज भी मैं काम कर रहा हूं। LLBT माशाल्लाह बहुत बड़ा एक ट्रस्ट आंखों का, और बहुत सारे अदारे जिनको मैंने पाकिस्तान बैतुल माल से बहुत बड़े पैमाने पर हेल्प भी की। लेकिन ट्रस्ट बनते और खत्म होते हैं। लेकिन आपसे मेरी इल्तिमास है कि ट्रस्ट, एनजीओ या कोई भी वेलफेयर का जो काम है, उसकी जो पटड़ी है वो आपकी नीयत है। कि आपकी नीयत क्या है? अगर वो नीयत खराब है, पटड़ी टेढ़ी पड़ गई, तो फिर कितनी भी खूबसूरत ट्रेन होगी वो कभी आपका साथ नहीं दे सकती, उसमें गिरना ही गिरना होता है। लिहाजा जो हमने इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को सामने रखते हुए ये ऐद किया है कि हम इस पटड़ी को, मैं समझता हूं हाजी सफर इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज दी, आप यही